कहानी की शुरुआत में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को अजेंट ऑफिस बुलाया जाता है। वह उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें उन्हें ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर सुजाना दिखती है। सुजाना को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर सुजाना को एक शर्त पढ़ने के लिए कहता है कि वह सुजाना को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें शाम को 4 बजे नेशनल टेलीविजन पर पिक के साथ दुष्कर्म करना होगा, वो भी लाइव। ये सब देख प्राइम मिनिस्टर के होश उड़ जाते हैं और साथ ही यह वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। फिर ऑफिस की टीम एक ऐसे आदमी से मिलती है जो वीडियो मैनिपुलेशन में मास्टर होता है। उसे वे कहते हैं कि किसी आदमी के चेहरे पर किसी और आदमी का चेहरा लगाना है, वो भी लाइव वीडियो में आज दोपहर 2 बजे तक, पर वह मना कर देता है। परंतु वह उसे फोर्स कर काम पर लगा देते हैं। फिर यह बात कहीं से किडनैपर को पता चल जाती है और वह एक और वीडियो भेजता है जिसमें वह सुजाना की एक कटी हुई उंगली दिखाता है, जिसके बाद जनता आक्रोश में आ जाती है और प्राइम मिनिस्टर को किडनैपर की शर्त मानने के लिए कहती है। वही प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार भी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करने के लिए कहते हैं कि ऐसा करने से प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जनता आक्रोश में कुछ भी कर सकती है। तभी प्राइम मिनिस्टर ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। फिर तभी 4 बजे से कुछ समय पहले पूरे इंग्लैंड की सड़कें खाली हो जाती है और सारे के सारे लोग टीवी के सामने बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर एक सुवर और लाइव टेलीकास्ट के लिए कैमरा लगा है। फिर कुछ देर बाद ये घिनौना मंजर शुरू हो जाता है जिसे देख लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये सब हो रहा है। जैसे ही यह सब मंजर खत्म होता है वही एक खबर आती है कि प्रिंसेस सुजाना बेहोशी की हालत में एक पुल पर मिली। तभी पता चलता है कि प्रिंसेस सुजाना की कोई उंगली नहीं काटी गई है और सुजाना को 3:30 बजे ही छोड़ दिया गया था। फिर टीवी पर ये दिखाया जाता है कि किडनैपर ने सुसाइड कर लिया है और उसने खुद की ही उंगली काटी थी, पर उसने ये सब किया क्यों? दरअसल किडनैपर ये दिखाना चाहता था कि आजकल की दुनिया कितनी दोगली है कि एक तरफ सभी बोल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ उस मंजर को एंजॉय कर रहे थे। यदि कोई एक भी टीवी नहीं देख रहा होता तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना पड़ता।